23 अक्टूबर को वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 में पहला मैच खेला जाएगा यू मुंबा और तेलुगु टाइटंस के बीच और दूसरा मैच खेला जाएगा पुनेरी पल्टन और तमिल थलाईवास के बीच। इन दोनों मैचेस से कौन हो सकते हैं टॉप स्कोरर्स, कौन सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं, कौन नहीं चलेगा और क्या कुछ होगा मैचेस में, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए, चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो दोस्तों आज का पहला मैच खेला जाएगा यू मुंबा और तेलुगु टाइटंस के बीच रात 8 बजे। सबसे पहले हम बात करेंगे यू मुंबा की। तो दोस्तों यू मुंबा के पास स्टार रेडर सिद्धार्थ देसाई है और सपोर्टिंग दो रेडर है रोहित बालियान और अभिषेक सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो सिद्धार्थ देसाई है वो आसानी से रेड पॉइंट लेके आएगा तेलुगु टाइटंस के डिफेंस से, क्योंकि यहाँ पे अबोजार विघानी ही एक थ्रेड बनता है सिड के सामने, लेकिन वो थ्रेड भी कम हो जाता है जब हम पता करते हैं कि अबोजार विघानी ने इंडिया के लोकल टूर्नामेंट्स कभी खेले ही नहीं और सीड कभी प्रो कबड्डी में पहले दिखा ही नहीं। तो यहाँ पे अबोजार को ना सीड का कुछ पता है, लेकिन सीड को अबोजार का जरूर कुछ ना कुछ पता होगा क्योंकि वो इंटरनेशनल मैचेस तो फॉलो करता ही होगा। तो यहाँ पे सीड का पल्ला भारी है और अबोजार को कर सकता है बीट और पॉइंट ला सकता है। उसके अलावा रोहित बालियान है जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको चाहे तो तेलुगु टाइटन्स की डिफेंस रोक सकती है, अभिषेक सिंह को चाहे तो रोक सकती है। अब हम बात करेंगे तेलुगु टाइटंस की बारे में। तो दोस्तों तेलुगु टाइटंस के पास रेडर्स से राहुल चौधरी, नीलेश सालुंके, मोहसिन मकसदगुलू जाफरी और एक है रक्षित नाम का। तो दोस्तों यहाँ पे राहुल चौधरी बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं क्योंकि हम सभी ने उनका परफॉर्मेंस ईरानियन डिफेंस के खिलाफ देखा है, सबसे कम है उनका परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पे फैजल है, फैजल के साथ और भी प्लेयर्स है जो ईरानियन है, तो यहाँ पे वो नहीं चलने वाले है। उसके अलावा नीलेश सालुंके कुछ पॉइंट्स ले आ सकते हैं, फिर भी दोस्तों यहाँ पे फैजल है और धर्मराज चिल्लाथन भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो वो भी शायद ही पॉइंट लेके आए। सब कुछ है अब मोहसिन मकसदगुलू जाफरी पे, क्योंकि मोहसिन को फैजल की हर एक टेक्निक का पता होगा और फैजल को भी मोहसिन का हर एक टेक्निक का पता होगा। तो दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सक्सेसफुल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगा कौन जीतेगा क्योंकि बहुत ही घमासान होने वाला है ये युद्ध। आप आई बटन पर क्लिक करके आपके फेवरेट टीम के लिए वोट कर सकते हो और दोस्तों आगे चल के हम आपको प्लेयर फॉर प्लेयर प्रेडिक्शन भी बता देंगे। अब हम बात करेंगे रात 9 बजे खेले जाने वाले दूसरे मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच खेले जाएगा पुनेरी पल्टन और तमिल थलाईवास के बीच। सबसे पहले हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन की। तो दोस्तों पुनेरी पल्टन के पास एक स्टार रेडर है नितिन तोमर, मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा ये रेडर है, कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे नितिन तोमर तो धमाली मचा देगा तमिल थलाईवास के खिलाफ। उसके अलावा है अक्षय यादव जो कि यंग प्लेयर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, पिछले मैच में दिया था और इस बार भी देगा ज़रूर। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तमिल थलाईवास की, तो दोस्तों तमिल थलाईवास के पास अजय ठाकुर है और अतुल MS है जो कि बहुत ही अच्छा रेड कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास रेडिंग में बहुत से ऑप्शन है, सुरजीत है, सूखे शेगड़े है, जसवीर है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई तो पुनेरी पल्टन के डिफेंस को भेद के पॉइंट लेके आएगा ही। तो दोस्तों मुझे लगता है जैसे कि ये मैच होने वाला है रेडरों का, क्योंकि पुनेरी पल्टन का जो संदीप नरवाल है हमारा वो इंजर्ड है, इंजर्ड नहीं दोस्तों उसको बुखार है, अभी देखना पड़ेगा उसका बुखार उतरा भी है या नहीं। उसके अलावा जो मतलब तमिल थलाईवास की डिफेंस है वो भी कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों ये मैच ज़रूर से ज़रूर रेडरों का होगा और प्लेस फॉर प्रेडिक्शन में हमको रेडर ही ज़्यादा चुनने हैं इस मैच के लिए। तो दोस्तों ये थी दूसरे मैच की बात और इस मैच में अगर प्रेडिक्शन करने को बोलो आप तो दोस्तों पुनेरी पल्टन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, फिर भी दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करके अपने फेवरेट टीम के लिए वोट कर सकते हो। तो दोस्तों पूरा एनालिसिस तो आपने देख ही लिया, अब मैं आपको दोनों ही मैचेस के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले अगर आपको अभी तक रूल्स नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके पहली वीडियो देख लीजिए और रूल्स पता कर लीजिए। और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक है, और दोस्तों जो रेफरल कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसको यूज़ कीजिए, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर स्क्वाड दिखा दूँ तो पहले मैच का स्क्वाड मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जेड फैक्टर, कैप्टन फैक्टर, स्टार फैक्टर, सब कुछ आपको रूल्स देखने के बाद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्वाड, यहाँ पे मैंने जैसे कि एनालाइज
एनालिसिस के हिसाब से राहुल चौधरी को नहीं चुना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम सेकेंड टीम्स का स्क्वाड देखेंगे, तो देखते हैं व्यू स्क्वाड पे क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्वाड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉट्स है उसके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट मैच के लिए कोई भी फ्री पॉट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों सेकंड मैच के लिए अगर आप ज्वाइन मोर पॉट्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो पिंक कलर का बॉक्स है फ्री पॉट नाम का वो खुल के आ जाता है। तो दोस्तों एंट्री फीस आप देख सकते हो 0 है, और दोस्तों यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हो, 7 टीमें 7 स्क्वाड बना सकते हो और बना के फ्री में खेल सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको जीतना है और भी पैसे तो यहाँ पे डुअल स्क्वाड पे आप क्लिक कर सकते हो, और अगर दोस्तों अगर आपका मतलब बजट कम हो तो आप छोटे जो पॉट है वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के 2 मैचेस के प्लेयर प्रेडिक्शन। दोस्तों हम ऐसे ही प्लेयर प्रेडिक्शन हर एक मैच का बना रहे हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए कबड्डी गुरु के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और देखते रहिए कबड्डी गुरु को। किसी को मोटिवेट करना है वीडियो लाइक करो, सवाल पूछना है कमेंट फेंको, और कबड्डी के अपडेट्स पाते रहना है चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय कबड्डी।